गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम लोग बड़ा उ की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। इसके पीछे वीडियो में आपको छोटा उ, हालसव, आज हम पढ़ेंगे दीर्घ उ यानी बड़ा उ। इसकी मात्रा हम किसी भी व्यंजन के नीचे लगाते हैं और देरी से उच्चारण करते हैं। यदि कोई बोलने वाला वक्ता देरी से उच्चारण करता है तो आप समझें कि बड़ा उ की मात्रा मुझे लगाना है। तो आज हम बड़ा उ दीर्घ उ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये कौन से अक्षर है, फ, इसमें बड़ा उ की मात्रा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, फू, और इसमें ल लिख देंगे तो हो जाएगा फूल। ये कौन सा व्यंजन है, क, और इसमें बड़ा उ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा उ, और इसमें ल लिख देंगे तो हो जाएगा उल। ये कौन सा व्यंजन है, म, और इसमें बड़ा उ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा मुँह, आ इसमें लिख देंगे ल तो क्या हो जाएगा, मूल। ये कौन सा व्यंजन है, न, इसमें बड़ा उ की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा नू, आ न, नून। ये है प, बड़ा उ की मात्रा लगाएंगे पू, अल, पुल। ज, बड़ा उ की मात्रा जू, आ त, इसमें आ की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा जूता। ब, इसमें आ की मात्रा हो जाएगी बा, अल में बड़ा उ की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगी बालू। उसके बाद चमया की मात्रा चा, आलू, चालू। क, कमया की मात्रा का, अल में बड़ा उ की मात्रा हो जाएगा कालू। भ, भमया की मात्रा भा, अल हो जाएगा भालू। अब इसी में तीन व्यंजन में देखें, प में पू, अर, अब, पूरब। उसके बाद शू, र, अज, सूरज। मू, अख, अर, मुखर। पूरत, चुमियक मत्ता चू, र, अन, चूरन। झो में एक मात्रा झू, अल, अन, झुल्लन। फ, फूमियों की मात्रा फू, अल, अन, फुल्लन। कुमियों की मात्रा पू, अन, अद, अन, कुंदन। फूल, पू, ल, अम, कुलम। इस प्रकार से आपके किताब पेज संख्या 24 में बहुत से
चित्त हैं, नाम है, अपने किताब को खोल करके उसको देखी है और सुंदर लिखी है और इसे पढ़िए। धन्यवाद। आ गए।